जी, हाउ आर, कैसे हो आप लोग? मिस किया होगा, भी मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? सुंदर और सुंदर नहीं, बंदर है तू, फीमेल बंदर। तो देखिए, आप सोच रहे होंगे भाई अपने अड्डे पे जो मुझे दिखाना था तमाशा स्टोरी, तो मैं दिखा चुकी, अब मैं यहाँ क्या करने आई हूँ? अरे वहाँ तो हमने कहानियाँ बना के बतानी होती है, स्क्रिप्ट राइटर है ना मेरा मोचूमल, जो वो जैसे लिखता है वैसे बोल देती हूँ, पर असली जो सच है ना, हमारे कलमुहे अंदर से जो चेहरे हैं ना, वो मैं यहाँ आके दिखाती हूँ ना। तो इस चैनल को जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी किया करो, है ना। लाइक करने से ना चैनल की रीच बढ़ती है, और कमेंट भी किया करो कि मेरा सच आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं ड्रामा। ड्रामा तो वहाँ के, यहाँ सर्च। तो जी, आते हुए तो बड़ा अच्छा लग रहा था, जब मैं पटना से आई ना तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन जाते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अरे क्यों अच्छा नहीं लग रहा भाई? आते हुए मैंने सोचा था, आए हाय मसाला, चटपटा मसाला मिलेगा अब मेरे वीडियोज़ के लिए, है ना, कहानियाँ बनाई जाएंगी बड़ी बड़ी, पता नहीं क्या क्या होगा, और मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मुझ टंडू ने इतना रायता फैला रखा था, इसको चुपचाप ही निपटाना था ना हमें, अब किसी को ना बता सकते थे ना छुपा सकते थे, ये वाला हाल हो गया था हमारा। तो मैं जल्दी जल्दी देखिए, और ऊपर से इस मुस्टंडे इस बुद्धिजीवी ने रहने भी नहीं दिया, बोला चल यहाँ से, चल मुस्टंडी, हम नहीं रहेंगे अब, हमारा फायदा नहीं, यहाँ ज्वेलरा नहीं बनेंगे अब, तो चल वापस। तो मुझे आना पड़ा। तो हम जल्दी 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 उठे, छुप छुप के हम जो है ना आगे, मैं किसी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ, इन मुस्टंडो दो मुस्टंडों की, बड़ी बड़ी पूतना तो मैं हूँ, छोटी पूतना और ये कलमुहा, है ना। हाँ डीजे मी से अभी भी थोड़ा मुझे काम है, तो उनको मैं जरा झेल लेती हूँ ना। तो जल्दी जल्दी छुप छुपा के हम जल्दी उठ के चले आए, है ना। अब आप सोचोगे कि मुस्टंडी तो छुप छुपा के क्यों आई, तो क्या बताओ, इस छोटी पूतना का क्या पता, गली पर जो होती है ना, वैसे भी इसको वारा की गर्दी की हुई, तफरा तफरी की हुई, काफ़ी टाइम हो गया, तो मेरे गले पर जाती ना बाबा ना, मतलब अब मुझे ना इससे कोई फ़ायदा नहीं है, जब फ़ायदा ठंड था जूलर छापने थे ना, रात और रात जाके ले आई थी, लेकिन अब तो वैसे ही बदनाम हो चुकी है, थू थू करवा रही है सारे तरफ, मुझे बदनाम नहीं होना, देखो मैं ना सारे काम पीठ पीछे करती हूँ, हाँ करवाती मैं हूँ, जो ये पसूड़ी पड़ी है ना मुझे ज़िंदगी में, सारे मेरी वजह से है, पर मजाल ही लोगों के सामने बुरी बनूँ, तो मैं इस मुस्टंडी को अब लेके जाके क्या करूँगी। फिर मैंने कलमुहे को कहा, अरे वही पिपड़ कलमुहा ही तो है, पता नहीं कहाँ कहाँ मुँह काला करवा के आया है मुस्टंडा कहेगा। मैंने कहा चल गाड़ी निकाल, तो मुझे मुस्टंडा कहता कि बड़ी पूतना ऐसा कर तो टैक्सी कर ले, मैंने कहा चुप कर, चुपचाप गाड़ी निकाल, बड़ाया है औकात मेरे, अपनी मालकिन हूँ मैं, जो कहती वो कर। फिर ना चाहते हुए मुस्टंडे को अपनी गाड़ी निकालनी पड़ी, वैसे तो पीछे पड़पड़ा के आ गया, मतलब पिछली सीट में सोया पड़ा आ गया, है ना, गाड़ी तो मेरा मुस्टंडा चला रहा था, वही बुद्धिजीवी मेरा, पर आजकल मेरा सच में एक नुकसान हो रहा है भाई, कितनी इसकी पगलेट छालियाँ हैं ना जीजा की बुद्धिजीवी जीजा की, वे बोलती हैं जीजा जी को नहीं दिखाती, जीजा जी को नहीं दिखाती, तो क्या करूँ मैं भाई, बड़े घपले किए हैं हमने, अब घपलों को छुपाने के लिए मुझे इस मुस्टंडे को भी छुपाना पड़ता है, मेरा नुकसान हो जाता है। चलो फिर हम लोग ना आगे, और देखिए मेरी जो ना फ्लाइट थी जिले थी, 15 मिनट जिले थी, मैंने कहा चलो यहीं बैठ के एयरपोर्ट पे मुंह बना बना के मैं पोज बना बना के रील डाल देती हूँ, है ना। फिर मैंने वो किया, फिर 1-1.5 घंटे में हम पहुँच के घर, है ना, मैंने ऊपर से आपको नजारा भी दिखाया पटना का। फिर घर पहुँचते मैंने अपनी ना मुस्टंडी काम वाली को बुलाया, मैंने कहा चल जल्दी यह काम कर सारा जो भी करना है, ताकि दूसरों को दिखा सकूँ मैं, लोगों को देखो मैं कितना काम करती हूँ, करती वो है दिखाती मैं हूँ। फिर मैंने ना वो पेड़ पौधों वाला नखरा फिर से दिखाया, मुझे बड़ी याद हो रही थी, बड़ी याद हो रही थी, मेरा मिश किया मैंने तुमको, ये मैंने ड्रामा आपको दिखाया ना। फिर मैंने थोड़ा सा जो है काम कुम किया, हम लोग बाहर खाने गए, है ना, और फिर मैं सो गई, और 4:30 बजे उठी, मुस्टंडे चिरू वाले मेरे वीडियो में नहीं चीखना होता है, हे दूसरों के वीडियो ख़राब करते करना चाहिए, मेरे ही ख़राब करने लग पड़े हैं आजकल ये बेवकूफ। तो फिर मैं सो के उठी, और फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ, तो मैं इमोशनल ड्रामा स्टार्ट कर दिया मुझे बड़ी याद आ रही है जंगल लैंड की, इस मेरी डीजे में बहुत कमज़ोर हो गई है, किस एंगल से, चटरपट तो अभी भी उनकी बंदी हुई थी पर बोलना पड़ता है ना, क्या करूँ क्या करूँ, तो रोके दिखा रही थी, हाँ तो ना वो कमज़ोर हो गई है, उनको ना बड़ा स्ट्रेस है, डिप्रेशन में चली गई है। गाइस हम लोगों को ना टाइम टाइम पे डिप्रेशन स्ट्रेस की दूरी पड़ते रहते हैं, जब भी जरूरत पड़ती है तो हम सब डिप्रेशन में चले जाते हैं, रो रही हूँ मैं। तो अब लोग बोलेंगे कि भाई मदर की बड़ी चिंता बढ़ी रहती है, कि भाई मदर इन लोगों के बारे में नहीं सोचती, मैंने कहा चलिए थोड़ा सा तड़का मदर इन लोगों को भी लगा देती हूँ तो भाई मुझे मदर इन लोगों की बड़ी चिंता होती है, इनडायरेक्टली मैंने ना टोंच जो है जिठानी को कसना है, देखिए हम बड़ी दूर रहते हैं ना, वो तो पास रहती है, वो देखभाल नहीं कर सकती, हालांकि लोग बोलेंगे तो मुस्टंडी तू क्यों नहीं रहती, वहाँ से होके चली आए तू दंगल लैंड से वापस, तो
दो चार किलोमीटर तो ससुराल जाती थी, मेहमानों की तरह जाती हूँ। दूर से बड़ी चिंता हो रही है तुझे, पर क्या करूँ, मतलब चाहे जूते पड़े मुझे ना, फिर भी ड्रामे तो दिखाने पड़ते हैं। मैं हूँ ही, मैं ड्रामा क्वीन है ना। तो एक बार ना हमने मदन इन लोग को पैसे क्या भेज दिए, मैं 50 बार सुना चुके कि हमने उनको पैसे भेजे है ना। अब मुस्टंडी पता नहीं क्या करती है, एक आंटी है ना मनगढ़ंत, मतलब वैसे ही इमेजिनरी मेरी आंटी है ना, एक मैं इनको कॉल करके पूछती हूँ कि अपना ख्याल रखती, तो वो कहती नहीं बिल्कुल फ्रूट वगैरह नहीं खाती, कुछ नहीं ख्याल रखती। मैंने तो कहा भी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लो, कोई मेड लगवा लो, भी मुझे लोगों को बताना है कि जेठानी रहती तो है साथ में पर बिल्कुल काम नहीं करती है ना। तो मुझे समझ में नहीं आता, वो आंटी कहती है कि वो फ्रूट्स नहीं खाती, कुछ नहीं करती, तो मुस्टंडी कहाँ पैसे उड़ाती है, पता नहीं चलता मुझे है ना। इतने पैसे भेजे मैंने तो इसको बोला मुस्टंडी को कोई ज़रूरत नहीं पैसे भेजने की, एक बार लेकिन चलो फ़ायदा तो मेरा हो गया ना, मतलब एक बार भेजे और 50 बार मैंने सुना दिया है ना। तो गाइज़ मैं दूर रहती हूँ, देखिए कितने खुशनसीब हैं लोग जो अपने सास ससुर के साथ रहते हैं। तो फिर मतलब मुझे किसने मना कर रखा है कि मैं भी तो रह सकती हूँ, मैं मतलब साल पड़ी रहती हूँ डंगल लैंड में, मजा ले जाऊँ ससुराल है ना, लेकिन ड्रामे ओ माय गॉड। मतलब देखिए गाइस कितने बेशर्म लोग हैं, मतलब सब दुनिया देखती है हमारे तमाशे, कितना अगर मैं जाती हूँ ससुराल, कितनी अगर मुझे चिंता है ना बेचारी के ना, मतलब लोग उसको कहते भी हैं टूथलेस आंटी बोलते हैं मेरी, मतलब इन लोगों को मजा ले उनकी दांत लगवाऊँ मैं कभी है ना, वो मुझसे होता नहीं। लेकिन हाँ ड्रामे तो मुझे दिखाने भाई बड़े बेशर्म लोग, बड़े बेशर्म लोग, मतलब सारी दुनिया के सामने हमारा सच पर मजाल है हम कभी कबूल करें मुझे। और वैसे मुझे तो अच्छा बनने, हाँ हाँ मैं बताना भूल गई, मैंने गाड़ी ना गाड़ी में मेडिटेशन भी किया था भाई, अब इतने दिनों से मैं मेडिटेशन का ज्ञान दे रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे मैंने कहा बोल दी, मतलब ऐसा मैंने तमाशा जो है पूरा वीडियो में दिखाया और असली आपको जो है सच यहाँ बता दिया। आई होप ना आपको मेरा सच अच्छा लगा होगा, और मैं तो अच्छी हूँ ही है ना। तो चलिए भाई पसंद आया तो लाइक कर दो जल्दी जल्दी से है ना। अब अगले वीडियो में मिलती हूँ मैं है ना, या हो सकता है मुस्टंडा भी आ जाए है ना, कलमू है वो पीपर, या हो सकता है पूतना छोटी पूतना आ जाए, जो भी है भाई आपको अच्छे से एंटरटेन करेंगे हम यहाँ पे अपना सच बताएंगे। तो चलो फिर गाइस चलती हूँ मैं, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।